सॉरी गुंजन। सॉरी? तुम मुझसे सॉरी कह रहे हो? अगर तुम्हें किसी से सॉरी कहना ही है ना, तो जाओ, जाकर अपनी बहन रचना से कहो। तुम्हारी गलती की वजह से उसका फ्यूचर चौपट होने जा रहा है। तुम्हारी इस एक चुगली की वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद होने वाला है मयंक। उसके छोटे छोटे सपने मयंक सब एक झटके में तोड़ दिए जाएंगे थैंक्स टू यू। उसके प्यारे डप्पू भैया ना तुम सबसे कुछ कहते और ना ही मौसा जी उसकी शादी की बात फिक्स करते, लेकिन तुम्हें क्या, इस घर में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। सब सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाना चाहते, सब अपने फायदे का सोचते हैं, जैसे कि तुम। सब घर वालों की आंखों में तुम तो डप्पू राजा बन गए, और तुम्हारी बहन। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मयंक बेटा, आज रचना का रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, नमस्ते आंटी जी। रचना कहाँ है? अच्छा हुआ तुम आ गई छाया। हम मयंक को तुम लोगों के रिजल्ट्स के बारे में ही बता रहे थे। मयंक बेटा, चाय खत्म करके जरा रचना के स्कूल जाओगे, देखने उसका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है दादी। नहीं नहीं आंटी जी, अभी इंटरनेट पर आ जाएगा, बल्कि आ गया होगा, है ना मयंक भैया? हाँ। मयंक जरा जल्दी देखो ना क्या रिजल्ट आया उसका, और हाँ छाया का भी, तो एक साथ सबके रिजल्ट की खुशियाँ मनाएंगे। हाँ जी जी, सबका चेक करते। ठीक है ताई जी, मैं मेरा लैपटॉप लेके आता हूँ। दीदी जल्दी आ, लैपटॉप पर आपके मार्क्स आ गए हैं। अरे हाँ, आज तो तुम लोग का रिजल्ट है ना, और आपका भी ना गुंजन दीदी। हाँ रचना, तुम्हारा रोल नंबर बताओ। 792347। 792347। रचना गर्ग। ये आया। हिस्ट्री में 80, सोशियोलॉजी 84, इकोनॉमिक्स 82। क्या फायदा रचना, 82% वाले किसी अच्छी कॉलेज जाते हैं, तुम अपने ससुराल जाओ।
जीती रहो बेटा, शाबाश। हमें पूरा यकीन था कि हमारी बेटी की मेहनत जरूर रंग लाएगी। घबराओ मत बेटा, तुम्हारे पापा अपना फैसला जरूर बदल लेंगे। भैया मेरा भी चेक कीजिए ना। गुंजन, गुंजन का तो रह गया। गुंजन तुम्हारा रोल नंबर क्या है? कॉमर्स से हो ना तुम? गुंजन तुम्हारा रोल नंबर दो। नो थैंक्स, मैं खुद चेक कर लूंगी। एक मिनट। गुंजन सस्पेंस से मत मारो, बताओ ना कितने परसेंटेज आए? ठीक है। सिर्फ ठीक है? अरे अच्छे नंबर कहाँ से आएंगे? इतना तेज दिमाग, इतनी तेज जबान और बहुत सारे कामों में जो चलती है। My God, 91%? Yay! Too good, Gunjan. Congratulations. सुनिए जी, आप ये फैसला बहुत जल्दबाजी में ले रहे हैं, जरा सोचिए तो। दीदी आप खामखा परेशान हो रही हैं। अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। बिहू एक अच्छा रिश्ता लेकर आइए, आप पहले देख तो लीजिए। नहीं रचना बहुत छोटी है, और आप सबने देखा ना उसके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उसे आगे पढ़ना चाहिए? कम से कम अपना कॉलेज तो पूरा। बस करो शायर। आज के बाद से रचना जो भी करेगी वो उसके ससुराल वाले तय करेंगे। और इस बारे में हमारी और तुम्हारी बात हो चुकी है, फिर बार बार वही बात दोहराने से क्या फायदा? हमारा फैसला बदलने वाला नहीं है। बेहतर यह होगा कि तुम कल की तैयारी शुरू करो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।